जैन दोस्तों बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी जानना चाहते थे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी कब तक आएंगी, तो फाइनली आपका जो इंतजार है वो लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी की संख्या है वो भी फाइनल हो चुकी है कि कितनी संख्या खाली है। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लोगों का जो डाउट था उन्हें यही नहीं क्लियर हो पा रहा था कि भाई यूपी पुलिस में अभी वैकेंसी बची हुई है या नहीं बची हुई है, क्योंकि 1.5 लाख वैकेंसी की बात की गई थी और यूपी पुलिस कांस्टेबल में 1,37,000 पदों पर ऑलरेडी भर्ती करवाई जा चुकी है। तो इसके बाद सभी का डाउट था क्या अभी भी नेक्स्ट बैच में कोई भर्ती आएगी या नहीं आएगी। लेकिन हमने आप सभी के लिए एक वीडियो बना के आप सभी को बताया था कि 50,000 वैकेंसी नेक्स्ट बैच में आप सभी के लिए आने वाली थी, लेकिन उसकी कंफर्मेशन इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि आप सभी को कोई ऑथेंटिक जानकारी यानी कोई आपको प्रूफ के साथ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हालांकि आप सभी को मतलब एक भरोसे के नाते आप इस चीज़ को आराम से समझ सकते हैं और मान भी सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वैकेंसी की संख्या जो आपको बताई जा रही है वो गलत नहीं है। बट फाइनली यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो वैकेंसी की संख्या है, यूपी पुलिस जो विभाग है उसमें जितनी बार संख्या है उसे आउट कर दिया है और बता दिया है कि कितनी फिलहाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में या यूपी पुलिस विभाग में कितनी वैकेंसी खाली है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल और अन्य गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें या यूपी पुलिस विभाग में जितनी बार वैकेंसी की बात करें, तो यहाँ पे यूपी पुलिस की तरफ से और यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जितना बार डेटा है, जो भी वैकेंसी खाली है उसका जो डेटा है वो रिलीज़ कर दिया गया है, आउट कर दिया गया है और कन्फर्म कर दिया गया है कि इस डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी खाली है। वहीं पे अगर मैं बात करूं स्पेशली कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की या यूपी पुलिस विभाग में कितनी वैकेंसी खाली है, तो यहाँ पे संख्या बताई गई है 1,40,105। साइड में आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की पूरी कटिंग है और ये डाटा एकदम ऑथेंटिक और ऑफिशियल है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ही इस डाटा को जारी किया गया है। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दें कि हमारा जो अनुमान था, हमारा अनुमान ये था लगभग 50,000 से 60,000 वैकेंसी आ सकती हैं अगले बैच में, लेकिन यहाँ पे जो डाटा आया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी बात है कि अभी यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी पुलिस विभाग में अभी 1,40,105 पद खाली हैं जिन पे अभी भर्ती करवाया जाना बाकी है, और ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ही डाटा उनके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूपी पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी अन्य पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए अच्छी खबर है कि आपकी वैकेंसी 100% आज नहीं तो कल डेफिनेटली आपकी वैकेंसी आने वाली है। अब बात करें कि आपकी वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो देखिए मैं आप सभी को एक चीज़ कन्फर्म करा देना चाहता हूँ कि अभी लास्ट जो बैच है 49,568 का, उसके पहले चरण के जो अभ्यर्थी हैं 14,000 अभ्यर्थी ट्रेनिंग के लिए जाने हैं, बाकी अभ्यर्थियों को धीमे धीमे जो बैच बना के ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। तो अभी जो प्रॉब्लम है यूपी में देखा जाए तो वो है ट्रेनिंग की, सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है ट्रेनिंग का। तो मुझे जो लगता है कि 2020 के एंड होते होते और 2021 के स्टार्टिंग में ही आपकी जो वैकेंसी होंगी वो रिलीज़ कर दी जाएंगी और लगभग जो आपकी वैकेंसी की संख्या होगी वो 40,000 से 50,000 वैकेंसी की संख्या हो सकती है, और इस चीज़ की कंफर्मेशन पूरी तरह हो चुकी है। तो आप सभी अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में जाना चाहते हैं, यूपी पुलिस विभाग में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये आप सभी के लिए एक अच्छा चांस यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप सभी को अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए इसकी तैयारी तुरंत से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि देखिए यूपी गवर्नमेंट की एक अच्छी पॉलिसी मैं आप सभी को बता दूं, अच्छे कह लीजिए या बुरी कह लीजिए, सीधी सी बात यह है जैसे ही नोटिफिकेशन जारी करेंगे फटाफट से लगभग 2 से 2.5 महीने में लास्ट आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरने का सोच रहे हैं और इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी से अपनी तैयारी में जुड़ जाएं और जितना वह लास्ट ईयर का जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आप सभी को बता दें कि अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो लास्ट ईयर के जितने बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को देखते हुए आप तैयारी करें, क्योंकि आपको इसका पैटर्न एग्ज़ाम सिलेबस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लिया तो आप एग्ज़ाम के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाएंगे, उसे क्रैक करने के नज़दीक। तो याद रखिएगा ये जितनी बार चीज़ें हैं आज ही से अपनी जो तैयारी है उसमें जुट जाएं बिना टाइम वेस्ट किए, डेफिनेटली ये पक्का है कि आपकी 40,000 से 50,000 वैकेंसी 2 से 3 महीने के अंदर रिलीज़ हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि 3 महीने के अंदर वैकेंसी निकाली जाएँ और 6 महीने के अंदर उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएँ। तो पूरी उम्मीद है कि 3 नहीं तो 4 महीने के अंदर 3-4 महीने के अंदर आपकी वैकेंसी रिलीज़ कर दी जाएंगी,
तो वो सभी अभ्यर्थी ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं जो भी पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे थे अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। इसके लिए अलग अलग कैसे आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है, किस तरीके से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, बेस्ट वर्क जो भी रहेगा हमारी तरफ से आप सभी को टाइम टाइम पे गाइड करते रहेंगे यहाँ पर। आप सभी को इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हमारे द्वारा आप सभी को अपडेट करा दी जाएगी। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये इन्फॉर्मेशन एकदम 100% ऑथेंटिक है, कोई भी इस इन्फॉर्मेशन में फेक इन्फॉर्मेशन आप सभी को नहीं दी जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अभी से अपनी पूरी तैयारी स्टार्ट कर देंगे और फटाफट से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम को क्रैक करने में। कोई भी अगर अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, आप सभी को मैसेज या किसी न किसी माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी फॉर ड्रीम्स के नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहाँ पे जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है आप सभी के लिए टाइम टू टाइम वहाँ पे अपडेट करा दी जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी होगी और आप सभी को पसंद आई होगी। सो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे मिलती रहे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।